ये वनवासी वन बंधु एकलव्य योजना, द्रोणाचार्य योजना, शक्ति वाहिनी योजना, दुर्गा वाहिनी, ऐसे करके हजारों संगठन आरएसएस और बीजेपी ने खड़े कर रखे हैं। और ये संगठन ज्यादातर आदिवासी एरियो में ही क्यों खड़े कर रखे हैं, मुख्यधारा में क्यों नहीं है? ये इसलिए किए गए हैं ताकि आदिवासी लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा सकते हैं। रामायण का, महाभारत में जितने भी नायक रहे हैं, उन नायकों ने हम आदिवासियों का ही शोषण किया, हमारा ही उपयोग किया और वो फिर समाज के सर्वे सर्वा बन गए। राम अच्छे भले थे, स्वस्थ थे, बलिष्ठ थे, उनके गुणगान गाए जाते हैं, लेकिन मैं कहूंगी वो मानसिक रूप से बिल्कुल विकलांग थे, दिव्यांग थे। मोदी जी ने जो दिव्यांग शब्द दिया, मैं उस पुरुषोत्तम को दिव्यांग शब्द देना चाहूंगी। भगवादारी गमछे डाले हुए सारे लोग, आप मीडिया में उनकी सारे फोटोग्राफ्स देख लीजिए तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि वो प्रोग्राम किसने ऑर्गेनाइज किया, वो आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता ने ऑर्गेनाइज किया है। हमारे लोग सब संगठनों से जुड़े हुए हैं, गुमराह हुए हुए हैं या लोभ लालच में फंस जाते हैं, तो वो इस तरीके के आयोजन करते हैं। और बीजेपी और ये इतने शक्ति वाहिनी या धर्म संगठन क्यों विरोध में आ रहे हैं? क्यों मोहन भागवत बोल रहे हैं कि आदिवासियों को अपना धर्म कोड हिंदू लिखना चाहिए? क्यों योगी सरकार कहती है कि सभी मूल निवासी को हिंदू में ही डालना चाहिए? क्यों मतलब आरएसएस और बीजेपी इस तरीके के हथकंडे अपना रही है कि आदिवासियों का धर्मांतरण किया जाना चाहिए? और दोस्तों, मैं राहुल कन्ना के आज राजस्थान के भूमि जयपुर में खड़ा हूँ। आपको पता है कि जयपुर में हमारे मीना समाज के लोग बहुत बड़ी तादाद में है, बहुत बड़ी संख्या में है, और उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। आपने वीडियो देखे होंगे कि एक ट्राइबल का कॉलम हो और ट्राइबल कॉलम में सभी जो जनजाति है वो सहभाग ले, तो भरपूर जनजातियों ने इस पर सहभाग लिया, अपनी सहमति दर्शाई, और इससे यह शुरू हुआ कि ट्राइबल कॉलम के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ट्राइबल कॉलम में जो कल की जो बैठक हुई और आज से दिल्ली में भी आंदोलन हो रहा है, तो इसकी एक वजह है, वो है डॉक्टर हीरा मीना जी, क्योंकि उन्होंने देश के सभी आदिवासियों के एक धोरे में, एक धागे में बांधने की कोशिश की। उन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने आसाम के साथ कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के साथ कॉन्टैक्ट किया, और सभी आदिवासियों को एक मंच पर लाने की बात की। यह बहुत बड़ी बात है, और वो भी एक महिला, एक स्त्री है, जिन्होंने, हम कहते हैं ना कि हमारा प्राचीन इतिहास जो है वो महिला प्रधान संस्कृति है। इसका मतलब ये है कि महिलाएं कबीलों की सरदार होती थी, महिलाओं के हाथ में शासन नियम होते थे, तो आज भी वही चल रहा है। अगर महिला चाहेगी तो पुरुष से दो कदम आगे दौड़ सकती है, ये भी हमारे डॉक्टर हीरा मीना जी ने सिद्ध कर दिया है। तो दोस्तों, आज हम उनकी इंटरव्यू ले रहे हैं, तो पहला मेरा सवाल है, मैडम जी, आपने सभी इंडिया के सभी आदिवासियों को एक जगह लाने की बात की, तो ये पूर्ति कहाँ से आई, ये आपको सुझा कहाँ से? ये सुझाव मुझे लेखन से मिला, क्योंकि मैं लेखन से जुड़ी हुई हूँ, आदिवासी लेखिका हूँ, मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनारों में मैंने कई बार सहभागिता की है, तो मैंने देखा कि आदिवासियों के विषय में ज़्यादातर मुख्यधारा के लोग ही बोलते हैं, या जो अपने आप को जनरल बताते हैं, जो मतलब समाज के सर्वे सर्वा हैं, वो लोग बहुत सक्षम हैं, पढ़े लिखे हैं, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में वो पदाधिकारी हैं, प्रोफेसर हैं, वीसी हैं, और मतलब बहुत बड़े बड़े संस्थानों के वो मालिक हैं, लेकिन उनकी मानसिकता ठीक नहीं है आदिवासियों के प्रति, उनकी जो आइडेंटिटी है उसको गलत तरीके से परिभाषित कर रहे थे। बिल्कुल। तो मैंने सोचा हम क्यों ना हम खुद अपनी आइडेंटिटी को स्थापित करें, इनको बताएं कि नहीं, आप जो बता रहे हैं वो ठीक नहीं है और आप जो बता रहे हैं वो गलत है, और हम आदिवासी इस तरीके से हैं और हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी ये है, और वो हम खुद ही बताएंगे, आप लोगों ने जो बताया आज तक वो बिल्कुल गलत है, और हम इस देश के मूल मालिक हैं, प्रथम नागरिक हैं, देशज है, अबोरिजिनल है, एनिमिस्ट है, ट्राइबल रिलीजन है, ये हम नहीं कहते, ये खुद ब्रिटिश शासन व्यवस्था ने हमें कहा है। 1871 से लेकर 1941 तक हमें अलग कॉलम कोड दिया गया था, जनगणना कॉलम कोड, जिसमें भारत के सभी आदिवासियों के, भारत में बताया जाता है कि संसार के सबसे ज़्यादा आदिवासी भारत में ही रहते हैं, जिनकी कुल आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 12 करोड़ है। तो 12 करोड़ आबादी को ब्रिटिश शासन व्यवस्था ने एक इंडिविजुअल पहचान दे रखी थी, एक आइडेंटिटी दे रखी थी, कॉलम कोड दे रखा था, लेकिन स्वतंत्र भारत ने उस पहचान को एसटी के रूप में अनुसूचित करके हमें पहचान दी गई 1950 में, लेकिन 1961 में वो कॉलम हटा दिया गया, अन्य का कॉलम जोड़ा गया, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि अन्य का कॉलम भी हटा दिया गया। तो हम इस देश के मालिक हैं, मूल वासिंदे हैं, देश है, प्रथम नागरिक है, तो उनको भी अपनी पहचान दर्ज करने का हक है, क्योंकि संविधान
में धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है और सभी धर्मों को समान महत्व दिया गया और आदिवासी एक ऐसी कौम है, ऐसा समाज है, ऐसा कबीला है, वो हर व्यक्ति को, हर चीज को समान महत्व देता है, चाहे प्रकृति हो या जीव जंतु हो या पत्थर पहाड़ हो, जंगल नदियाँ हो, हर वस्तु को, हर इंसान को, हर जानवर को समान महत्व देता है। तो उन्होंने सब धर्मों को भी समान महत्व दिया है। आपने उठा के देख लीजिए उदाहरण, आदिवासी ने कभी किसी धर्म का विरोध नहीं किया हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजे हो, चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, लेकिन आदिवासी आज अपनी पहचान के लिए कोलम कोड मांग रहा है। तो आदिवासियों का विरोध क्यों हो रहा है, क्यों आरएसएस और बीजेपी और ये इतने शक्ति वाहिनी या धर्म संगठन क्यों विरोध में आ रहे हैं, क्यों मोहन भागवत बोल रहे हैं कि आदिवासियों को अपना धर्म कोड हिंदू लिखना चाहिए, क्यों योगी सरकार कहती है कि सभी मूल निवासी को हिंदू में ही डालना चाहिए, क्यों मतलब आरएसएस और बीजेपी इस तरीके के हथकंडे अपना रही है कि आदिवासियों का धर्मांतरण किया जाना चाहिए। तो मैं उन सरकार को भी कहना चाहूँगी कि हम आदिवासी हैं, हम अपनी मूल अवस्था में आज भी हैं, हजारों सालों में आपने हमारा धर्मांतरण किया, बहुत सारी चीज़ें बदली है, लेकिन आज भी हम अपनी मूल पहचान के साथ जीवित है, हमारा स्वाभिमान जीवित है और ये ऐतिहासिक अवशेष इसकी गवाही दे रहे हैं। जगह जगह किले हैं, बावड़ियाँ हैं, महल है, कोर्ट है, सब जगह राज व्यवस्थाएँ थी। गोंडवाना में गोंडों का राज था, तो मत्स्य राज में मीणों का राज था, बिलिस्तान में भीलों का राज था, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ के आदिवासियों का कबीलों का राज था। और इसीलिए हमें संविधान में अनुसूची 5 और 6 विशेष राज्य के दर्जों के रूप में सिर्फ आदिवासियों को ही मिली है, ना कि किसी और धर्म संप्रदाय को। और वनाधिकार कानून है, पैसा कानून है, और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो हम आदिवासियों को इस धरती का मालिक होने की वजह से ही मिली है। और हम आदिवासी है इसीलिए हमारे हक अधिकारों की रक्षा संविधान भी देता है। अगर हमारा धर्मांतरण होता है या हमें हिंदू कॉलम में डाला जाता है या हमारे खुद के भाई बहन गुमराह होते हैं और वो अपने का आपको हिंदू बोलते हैं, सनातनी बोलते हैं या भगवाकरण का अनुकरण करते हैं, तो वो एक तरह से खुद गुमराह हो रहे हैं और अपनी जड़ें या अपना अस्तित्व वो खुद समाप्त कर रहे हैं। हम किसी का विरोध नहीं करते, वो चाहे हिंदू बनना चाहते हो बने, लेकिन वो अपने ही आइडेंटिटी को खो देंगे, वो अपनी मूल पहचान जो आदिवासियत है उनके हक अधिकारों को खो देंगे, उनके जो अधिकार है शिक्षा में, राजनीति में या रोजगार में या जमीन जायदाद जंगल को बचाने में, वो सारे अधिकार उनसे छीन लिए जाएंगे, क्योंकि सरकार खुद कहेगी कि आप अपने आप को आदिवासी खुद नहीं मानते हैं और आप अपने आप को हिंदू मानते हैं, तो हिंदू होने के नाते आपको ऐसे कोई अधिकार नहीं मिलते हैं। जो जैसे देश जिस धारा पे चल रहा है, एक राष्ट्र, एक भाषा और एक धर्म की थीम पे, तो वो एक धर्म होने का मतलब है हमारा अस्तित्व समाप्त करना। तो हम नहीं चाहते कि ये देश का मूल मालिक जो इस देश को बनाया है, व्यवस्था किया है, बताया जाता है संविधान में देश का जब निर्माण हुआ था तो सबसे ज़्यादा आदिवासी रियासतें उसमें शामिल हुई थी। इसमें बताते हैं कि 70% भूमि हम आदिवासियों की है, जो देश भर के आदिवासी है उनके राज कबीलों की, राजवंशों की भूमि है। तो हम अपनी पहचान के साथ एक स्थायी कॉलम कोड की मांग कर रहे हैं ताकि हमारी अपनी पहचान और आने वाली पीढ़ियों की आदिवासियत की जो पहचान है, हमारे पुरखों के जो संघर्ष थे, जो बलिदान थे, उन्होंने जो मतलब इतने कठिन परिश्रम से हमारी पहचान को स्थापित करके हमें आदिवासी के रूप में दर्ज करवाया था या एसटी के रूप में दर्ज करवाया था, उस पहचान को हम आदिवासियत के रूप में, कॉलम कोड के रूप में सरकार से लेना चाहते हैं ताकि हमारी पहचान स्थायी हो सके। क्योंकि संविधान में जो एसटी अनुसूचित किया गया है वो स्थायी नहीं है, वो कभी भी बदला जा सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिले हैं कि कई जनजातियों को एसटी से बाहर निकाला गया है। ऐसा छत्तीसगढ़ में भी सुनने में आया, वहाँ 3 जनजातियाँ थी जिनको एसटी सूची से बाहर निकाला गया। नाम अभी मुझे पता नहीं है, जब पता होगा तो मैं बताऊँगी। बाकी उनका धर्मांतरण होने से, हिंदूकरण होने से उनको अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से उनको वंचित कर दिया गया, बेदखल कर दिया गया। तो मैं अपने समाज को भी संदेश या अपने आदिवासी भाई बहनों, युवाओं, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मातृशक्तियों, पितृशक्तियों सबसे अनुरोध करना चाहूँगी कि आप अपने पुरखों के बलिदानों को, संघर्षों को याद कीजिए कि उन्हीं के संघर्षों बलिदानों से हमें आज़ादी मिली थी, उन्हीं से हमें मूल पहचान मिली है, उन्हीं से हमें हक अधिकार मिले हैं। तो वही हमारे देवी देवता के रूप में आज भी पूजे जाते हैं, चाहे वो पैंट थाना हो, चाहे हमारे मीणा समाज में जैसे ऊत पितर भूमिया के स्थान हो या देवी के कुल देवी देवताओं के स्थान हो। आज ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, ये सिंबल हमारे बीना समुदाय में भी ये मात्र शक्तियों के रूप में पूजा जाता है। और इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो वेशभूषा है वो आज गोंड उराव में आज भी वैसे की वैसे ही है। वो छत्तीसगढ़ देख लीजिए आप, एमपी देख लीजिए या झारखंड देख लीजिए, वहाँ पर महिलाएं मातृशक्तियाँ ऐसी ही वेशभूषा में थी। ये साथ ही क्यों है,
ये सात मात्र शक्तियों के रूप में है, मतलब आदिवासियों में मात्र सत्तात्मक व्यवस्था होती है, तो वो मात्र शक्तियों को ही वर्चस्व देते हैं या उन्हीं का महत्व होता है या उन्हीं के बल पे वो परिवार और समाज आगे बढ़ते हैं, इसीलिए मात्र शक्तियों का विशेष महत्व है खासतौर से आदिवासी समाज में। हमारे गोंड समाज में इसको येरुंग कहते हैं, सात को जी 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 येरुंग कहते हैं, और सात सप्तरंगी हमारा झंडा होता है, सात बहुत बिल्कुल बिल्कुल वो सब जगह होता है। और इसमें हमें राती और धोली बोलते हैं, सफेद और लाल जो होता है वो सफेद होता है पुरुष का प्रतीक और लाल होता है स्त्री का प्रतीक, जो झंडा लगाते हैं। मैडम दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि कोई सम्मेलन लेते हैं तो उनको पता होता है कि क्या दिक्कतें आती है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होते हैं और बाकी सब प्रॉब्लम होते हैं, तो आपने जब ये शुरू किया कि सभी लोगों को इकट्ठा आके यहाँ पे आवाज उठानी है तो क्या दिक्कतें आई, आपको किसी ने विरोध किया या इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आया? ये कार्यक्रम तो बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ लेकिन कुछ जो दिक्कतें आई वो आप लोगों को पता है तो शेयर करना चाहेंगे कि लोगों का क्या राय थी इसके बारे में? बिल्कुल करना चाहूँगी। देखिए अर्थ के बिना कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन अर्थ से ज़्यादा आपका मानसिक विकास और बौद्धिक विकास बेहद ज़रूरी है। अर्थ तो सभी के पास है लेकिन मानसिक और बौद्धिक विकास नहीं है, इसीलिए मानसिक रूप से पढ़े लिखे लोग ज़्यादा गुलाम हैं। जो अनपढ़ लोग हैं वो गुलाम नहीं है, वो शारीरिक परिश्रम कर रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं और वो अपनी दिनचर्या चला रहे हैं, लेकिन जो सुविधा संपन्न हो गए, जो बौद्धिक रूप से संपन्न हो गए, जो आर्थिक रूप से संपन्न हो गए, वो सबसे ज़्यादा मानसिक गुलाम है। तो ये वहीं बात खंडित हो जाती है कि आर्थिक आपकी हर चीज़ को संचालित कर देता है, आपका मानसिक और बौद्धिक विकास होना चाहिए। विरोध तो नहीं हुआ लेकिन लोगों को समझाना पड़ा, लोग उन्हें मेरे जो मैंने कहा उसका उन्होंने सवाल जवाब किए, उन सवाल जवाबों का मैंने सही तरीके से उनका निराकरण किया, तब उनको संतुष्टि हुई। मैं बताना चाहूँगी आर्थिक रूप से मैं खुद सक्षम नहीं हूँ लेकिन मेरे सामने ये समस्या नहीं आई क्योंकि मैंने अपने मानसिक और बौद्धिक विकास का इसमें सहारा लिया। मुझे पता चला समाज सक्षम है आर्थिक रूप से लेकिन मानसिक रूप से नहीं है, वो इन चीज़ों को नहीं समझ रहा, जो चीज़ें मुझे समझ में आई है समाज के अस्तित्व के लिए और राष्ट्रीय स्तर के समाज के अस्तित्व के लिए। मुझे समझ में आया कि हम सभी आदिवासी भाई बहन मातृशक्तियाँ पितृशक्तियाँ एक मंच पर आकर एक आवाज़ में अपनी पहचान के लिए हम आवाज़ लगाए, गुहार लगाए और स्थानीय स्तर पर अपनी अपनी सरकारों को ज्ञापन दे, सूचनाएं दें और मीडिया में इन चीज़ों को प्रचारित करें, तो हमारा समाज भी जागृत होगा और सरकार को भी विवश होना पड़ेगा हमारी पहचान देने के लिए, क्योंकि हम नई डिमांड नहीं कर रहे हैं। हम ब्रिटिश शासन व्यवस्था में जो हमें व्यवस्था दी गई थी, हमें 1931 में जो ट्राइबल रिलीजन कोलम कोड दिया गया था जिसमें हमारी जनगणना की गई थी, इसमें देश भर के आदिवासियों की पूरी जनगणना आई थी, उस जनगणना के आधार पर योजनाएं बनी थी, तो हम चाहते हैं कि उसी को रीस्टोर किया जाए, ट्राइबल रिलीजन यानी आदिवासी धर्म या ट्राइबल कोड, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी समुदाय को दिक्कत ना हो, पहले से था बिल्कुल, ये पहले से था और उसी को रीस्टोर किया जाए, ना कि हमारा संस्कृतिकरण किया जाए। और आदिवासियों की संस्कृति उस संसार की महान संस्कृति है, इस संस्कृति ने ही सबको बचा रखा है, और ये मैं नहीं कह रही, ये यूनेस्को कह रहा, और यूनेस्को ने ये कहने के बाद ही विश्व आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा की थी, क्योंकि रियो दी जो सम्मेलन हुआ था, ग्लोबल वार्मिंग के कई सम्मेलन हो गए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विकसित और विकासशील और विराट देशों ने सम्मेलन करके अपनी मानसिकता का तकाजा किया कि हमने जो भौतिक विकास किया है वो विनाश के कगार पर हमें ले आया है, इसलिए आदिवासियों की जो जीवन शैली है, उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो भाषा है, उनका जो इतिहास है, उनकी जो रहन सहन की पद्धति है, कम से कम चीज़ों में सर्वाइव करने की जो जीवन शैली है, उन सबको अपनाना होगा ताकि जल जंगल पर्यावरण के साथ पूरी मानवता को बचाया जा सके, इसीलिए हमें मतलब विश्व आदिवासी अधिकार दिवस की घोषणा भी यूनेस्को ने की थी ताकि आदिवासियों की जीवन शैली, उनकी भाषा, साहित्य, संस्कृति, इतिहास को सहेज कर पूरी मानवता को ही बचाया जा सके, क्योंकि आदिवासी बचेगा तो जंगल बचेगा, जंगल बचेगा तो पूरा मानवता या पूरा संसार बचेगा और संसार बचेगा। संसार तो हम जब यहाँ पे आए थे तो हमें एक पता चला था कि जैसे हमारा प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ पे सम्मेलन हो रहा है, वैसे एक बोगस सम्मेलन भी यहाँ पे आयोजन किया गया। तो हर क्षेत्र में मैं देखता हूँ कि आदिवासियों के जब बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं तो उसके साइड में कोई बोगस आदमी भी कर लेता है, और तो हमारे जो युवक हैं उनको पता नहीं होता कि ओरिजिनल क्या है, और फिर वो दूसरे सम्मेलन में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और ये बताते हैं कि हम तथाकथित वो है, हमका है, ढमका है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो जेन्यून युवा है जो जुड़ना चाहता है वो किस संगठन के साथ जुड़े, और हमारी विचारधारा क्या है और उनकी विचारधारा क्या है? मैं इस संबंध में कहना चाहूँगी कि ये हमारे लिए सफलता का दूसरा पायदान है कि हम एक सेमिनार कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग दूसरा सेमिनार हो रहा है, उसके विरोध में मैं कहूंगी कि वो समर्थन में हो रहा है। आपके यहाँ के लोग बोलते थे कि कौन सा सम्मेलन हमारा है, ऐसे पूछते थे आपको? जी 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 बिल्कुल,
मैं कह रही मन का आप आँख कान नाक सब कुछ अपनी इंद्रियों को जागृत कीजिए और देखिए कि आपके पूर्वजों ने क्या किया था और वो जो सम्मेलन कर रहे हैं उनके पूर्वजों ने क्या किया था, तो सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। हमारा जो प्रोग्राम था वो समाज की आइडेंटिटी को लेकर था और राष्ट्रीय स्तर के इसमें 21 राज्यों से आदिवासी भाई बहन, मातृशक्तियाँ पितृशक्तियाँ खुद आए हैं और वो खुद मतलब अपनी बात रखे हैं ट्राइबल कोलम कोड के लिए। मैडम आई है अरुणाचल प्रदेश से, जोराम यालाम नाबाम प्रोफेसर, वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो एक अकेली महिला है जो अरुणाचल प्रदेश से वो आवाज़ उठा रही है ट्राइबल कॉलम कोड के लिए। वहाँ क्रिश्चियनिटी का ज़्यादा प्रसार है, हिंदूकरण का भी ज़्यादा प्रसार है, तो वहाँ लोग उनको समझ नहीं पा रहे, वो काफ़ी विरोध कर रहे हैं, उसके बावजूद वो अकेली महिला इतनी बिंदास है कि उन्होंने मतलब इतना हौसला बुलंद है, वो मीडिया के माध्यम से भी काफ़ी रिकॉर्डिंग करके या वीडियो बना के सब जगह पेश कर रही है। उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, मैं काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ, तो उनको भी अच्छा लगा, बोले आप ये कर रहे हैं तो हम भी क्यों नहीं कर सकते अपनी आइडेंटिटी के लिए। तो मैं सोच में मेरी ताकत बढ़ती जा रही है, जब राजस्थान से मैंने आवाज़ उठाई तो मैं अकेली थी, अरुणाचल से आवाज़ उठाई तो वो अकेली थी, आज इस मंच पे आकर हम राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठित समूह में हम हो गए, ये पूरा समाज जुड़ गया आदिवासी समाज और हम सब मिलकर एक ही आइडेंटिटी चाह रहे हैं। और मैडम की बात देखिए, 4 मार्च को वो अपने CM को ज्ञापन भी देकर आई है, तो ये हमारी सफलता के पायदान हैं। और अगर हमारे अपोजिट में कोई कुछ होता है तो उनकी मानसिकता का सही तरीके से विकास नहीं हुआ, आप देख लीजिए उनमें आदिवासियत का कोई प्रतीक सिंबल भी नहीं मिलेगा, ना उनमें भाषा मिलेगी, ना उनमें कल्चर मिलेगा, ना इतिहास मिलेगा, वो भगवादारी गमछे डाले हुए हैं सारे लोग। आप मीडिया में उनकी सारे फोटोग्राफ्स देख लीजिए तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि वो प्रोग्राम किसने ऑर्गेनाइज किया है, वो RSS और BJP के कार्यकर्ताओं ने ऑर्गेनाइज किया है। हमारे लोग सब संगठनों से जुड़े हुए हैं, गुमराह हुए हुए हैं या लोभ लालच में फंस जाते हैं तो वो इस तरीके के आयोजन करते हैं। वहाँ जो मंत्री जो आने वाले थे वो नहीं आए हैं, फगन कुलस्ते जी का जिनमें एड दे रखा था कि वो आ रहे हैं वो नहीं आए हैं, और भी लोगों के नाम दे रखे थे वो भी फर्जी है, मतलब फर्जी तो नहीं है नाम, लेकिन वो लोग नहीं आए हैं। कोई हमारे ही समाज के कोई प्रतिनिधि पहुँचे हैं, लेकिन ये राजनीति में समाज की पहचान से जाते हैं, वो आदिवासियत की पहचान से वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन वो रबड़ स्टैम्प बनकर भगवाकरण करने में लग जाते हैं, वो अपनी सत्ता को अपनी सीट को बचाने के लिए उन्हीं का अनुकरण करते हैं या उन्हीं की मतलब जो भावना है उसी को प्रदर्शित करते हैं, वो अपने समाज का अहित खुद करते हैं। जी बिल्कुल, भारत भर में वनवासी शब्द को आदिवासी आदमी नकार रहा है जी, ठीक है, लेकिन फिर भी अलग अलग जगहों पे वनवासी नाम की किताबें निकालना, वनवासी संबोधित करना जी, तो इसके पीछे ये RSS का क्या एजेंडा है वनवासी शब्द के पीछे? मैं बताना चाहूँगी कि हम आदिवासी देशज हैं, मूल मालिक है इस धरती के, मतलब पहले वाशिंदे हैं, प्राचीन समय से हमारे पुरखे रहे हुए हैं और यहाँ पर आदिवासियों की राज व्यवस्था थी, राजतंत्र थे, गणतंत्र थे, और इसीलिए जयपाल सिंह हुड्डा ने कहा था कि प्रजातंत्र की व्यवस्था आप लोगों को आदिवासियों से सीखनी चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगी कि जो ये हो रहा है इस तरीके से हमें समझना चाहिए कि ये लोग किस तरीके से कूटनीतियाँ अपना रहे हैं, हमें अपनी आदिवासियत को बचाने के लिए खुद आगे आना होगा और सभी को मिलकर इस तरीके से, जैसे ये राष्ट्रीय मंच पे एक जगह आकर हमने 21 राज्यों को सभी आदिवासी भाई बहन, इसमें निशी भी है, इसमें बोडो भी है, इसमें कार्बी भी है, इसमें भीली भी है, इसमें मीना भी है, इसमें सलामे भी है, गोंड भी है, वागरी समुदाय से भी है मैडम, जो वो लोग हैं ये कर्मठ कार्यकर्ता है जो अपने समाज की संस्कृति की इतिहास की और अपने पुरखों के संघर्षों को बचाने के लिए, उनकी पहचान को स्थायी करने के लिए एक मंच पर आए हैं। हमें मतलब और लोगों से नहीं डरना, हमें अपने ही लोगों को जागृत करना, हमें किसी का विरोध नहीं करना, हम सिर्फ अपनी आइडेंटिटी चाह रहे हैं जो हमें पहले से मिली हुई थी और हम इसको लेकर ही रहेंगे। नहीं, वनवासी शब्द जो है जी, वनवासी शब्द ही वो क्यों यूज कर रहे हैं, उनके पीछे क्या है उनका एजेंडा? बिल्कुल, ये RSS और BJP की बहुत बड़ी चाल है, षड्यंत्र है, चक्रव्यूह है, या एक कहिए लाक्षाग्रह है। ये वनवासी, वन बंधु, एकलव्य योजना, द्रोणाचार्य योजना, शक्ति वाहिनी योजना, दुर्गा वाहिनी, ऐसे करके हजारों संगठन RSS और BJP ने खड़े कर रखे हैं और ये संगठन ज़्यादातर आदिवासी एरियों में ही क्यों खड़े कर रखे हैं, मुख्यधारा में क्यों नहीं है? ये इसलिए किए गए हैं ताकि आदिवासी लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा सके। वो कठिन परिश्रम करके अपनी दिनचर्या चलाते हैं तो उसी दिन कठिन परिश्रम का फल वो लोग खा रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं। जैसे
आप अपना पौराणिक उदाहरण ले सकते हैं, रामायण का, महाभारत में जितने भी नायक रहे हैं, उन नायकों ने हम आदिवासियों का ही शोषण किया, हमारा ही उपयोग किया और वो फिर समाज के सर्वेसर्वा बन गए। राम अच्छे भले थे, स्वस्थ थे, बलिष्ठ थे, उनके गुणगान गाए जाते हैं, लेकिन मैं कहूँगी वो मानसिक रूप से बिल्कुल विकलांग थे, दिव्यांग थे। मोदी जी ने जो दिव्यांग शब्द दिया, मैं उस पुरुषोत्तम को दिव्यांग शब्द देना चाहूँगी। अच्छा भला होकर वो हनुमान के कंधे पर क्यों बैठा और अपने भाई को भी क्यों बिठाया? क्या वो पूरी कौम दिव्यांग थी? वो ऐसी कौम थी जो सेव से, खीर से, देवताओं से या फिर जो साधु संतों के से बलात्कार से पैदा हुई कौम है, वो अपने माता पिताओं से पैदा हुई कौम नहीं है। और हम आदिवासी वो कौम है जो अपने माता पिता से पैदा होते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अभी आपने जो मुहिम चलाई, हम तो मीडिया चाहते हैं कि कोने कोने तक पहुँचे, आदिवासियों के पास ये वीडियो पहुँचे, लेकिन जिनके पास पहुँचेगा और जो इन विचारधारा से हमारे कामों से जुड़े नहीं है, अलग है, उनको पता ही नहीं है इसके बारे में, तो इन सभी भारत के आदिवासियों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं भारत के सभी आदिवासी भाई बहनों, मातृशक्तियों, पितृशक्तियों, युवाओं और बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप पूजिए, सबको पूजिए, सबको मानिए, लेकिन उनकी सच्चाई को जानिए, उनके चरित्र को पहचानिए। अगर वो आपके काबिल है, आपके लिए उन्होंने कुछ किया, समाज के लिए कुछ किया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ किया, सीमाओं पर जाके आपकी रक्षा की है, घर के आसपास आके उन्होंने आपकी रक्षा की है, तो आप उनको ज़रूर मानिए। अगर उनका अस्तित्व आपके समाज, आपके परिवार, आपके देश के लिए कहीं कोई नहीं है, वो काल्पनिक कपोल कथाएं हैं, तो उनको बिल्कुल भी मत मानिए, क्योंकि हमारे पुरखों ने ही हमारे लिए संघर्ष किया था, बलिदान दिया था, इसीलिए आज हमारा अस्तित्व इस देश में है और हम इस देश के मालिक हैं। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए, हमें अपना इतिहास याद रखना चाहिए, अपनी भाषा, साहित्य, संस्कृति को हमेशा इतिहास मतलब याद रखना चाहिए। यही हमारी पहचान है, हमारी भाषा, साहित्य, संस्कृति और इतिहास ही आदिवासियत की स्थापना कर सकती है और हमें इसके लेखन को वापस से शुरू करना चाहिए और शुरू है तो उसको तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए। में भी सबको जुड़ना है, बिल्कुल, और इसमें एक दूसरे को जोड़ना चाहिए, ऐसे नहीं अपनी जानकारी अपने तक रखे, आपकी जो जानकारी है वो सब जगह शेयर कीजिए। ये सेमिनार का आगाज यही है कि मैंने मतलब 5-6 सालों से मैं जुड़ी हुई हूँ कोलम कोड के अभियान से, तो मेरी जो समझ बनी, मुझे जो जानकारी मिली, उस जानकारी को मैंने 5-6 पृष्ठों में बिल्कुल सामान्य शब्दावली, सरल शब्दावली में इकट्ठा किया और उसको घर घर जाकर लोगों को समझाया, घर घर जाके शेयर किया, तब जाके राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन हुआ। और ये पहला सम्मेलन है जिसमें महिलाएं खुद आके कोलम कोड के लिए बोल रही हैं, वो खुद धर्मांतरण का विरोध कर रही है, वो खुद मतलब वास्तविक चीजें बोल रही है, वो खुद कह रही है कि हम आदिवासी हैं, हम नास्तिक नहीं, हम वास्तविक हैं। वो बता रही है कि हमारे पुरखे किस मतलब धरती को, आकाश को, चांद को, सूरज को, तारों को, इस जल को, नदियों को, पहाड़ को, जंगल को और पशु पक्षियों को मानते थे और आज भी ये हमारे प्रतीक चिन्ह है। और ये आप देख सकते हैं हमारी जो ज्वेलरी होती है उसमें पक्षी रहते हैं, पशु रहते हैं, हमारे जो कड़े पहनती हैं महिलाएं उसमें सिंह का रहता है, वो शक्ति का प्रतीक है, हमारे शौर्य का प्रतीक है, किसी देवी देवता के कोई प्रतीक चिन्ह हमारे गहनों में भी नहीं मिलते। हमारी जो पहनावा है, पोशाक है, उसमें पेड़ पत्तियां, फूल पत्ते वो सब मिलते हैं, ये प्रकृति हमारे, हम प्रकृति का ही रूप है एक तरह से, प्रकृति हमारा रूप है, हम प्रकृति और आदिवासी एक दूसरे के पूरक है, जब तक आदिवासी है जब तक प्रकृति रहेगी। जो ये प्रकृति के चिन्हों को लेकर हम जो जीते हैं वो आप भी जीते हैं, बिल्कुल। मैंने जानकारी कि आपके गोत्र में चंद्र सूरज जैसे हमारे लिंगो जंगो जंगो लिंगो हम मानते हैं, ऐसे चांद सूरज भी इन्वॉल्व होते हैं, आप में पेड़ है, बिल्कुल। और आप में गोत्र की संख्या मेरे ख्याल से 5,200 है, हाँ जी। तो 5,200 लोगों को एक पेड़ आवंटित किया जाए जी जी। तो वैसे ही हमारे मीन समुदाय के लोग 5,000 पेड़ों की रक्षा कर रहे हैं, तो बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगा कि जो गोत्र की पद्धति आपके इसमें है जी जी जी। वो पद्धति सभी आदिवासियों में है जी जी। और मीन का बहुत ही बड़ा अर्थ निकलता है, कंगाली साहब के हिसाब से मीन यानी मत्स्य, मछली, मछली का टोटेम लेके जो समुदाय चल रहा है आगे वो भी आप हो, तो आपने मैसेज दे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल ये वीडियो इंडिया के कोने कोने में पहुँचेगा और आपकी विचारधारा उन लोगों तक पहुँचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, सेवा जो है आप सभी को, बिल्कुल। दोस्तों देखिए, जो महिला की शक्ति होती है वो बहुत बड़ी होती है, हम मानते हैं कि पुरुष आगे बढ़ रहे हैं लेकिन महिलाओं ने अगर आवाज़ लगा दी ना तो पूरा समाज एक जगह आ जाता है, और इसके उदाहरण हमारे सामने डॉक्टर हीरा मीना जी। तो मैं सभी से यहाँ से निवेदन करूँगा कि आप अगर इस मूवमेंट में नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए, क्योंकि ये कॉलम कोई बना बनाया कॉलम नहीं है, ये पहले भी था, सिर्फ इसको लागू करवाना है। इसके नीचे सभी कल्चर अपने अपने कस्टमरी लॉ लेके रहेंगे। तो दोस्तों आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आगे भी शेयर करिए और मीना जी की जो विचारधारा है वो लोगों तक पहुँचाएँ, ये ज़रूरी है। और जो युवा है
वो इस मिशन में, इस आंदोलन में जुड़ेंगे। वीडियो देखना ना भूले और आप फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर हीरा मीना जी के स्पीचेस, यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, आप इनकी विचारधारा और भी सुन सकते हैं। वीडियो यही खत्म करते हैं और आगे आपको दिखाएंगे कि क्या है इनका मीन लोगों का क्या इतिहास है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।